नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। रीवा के महाराजा मारतंड सिंह जूदेव टाइगर सफारी मुकुंदपुर में बीते कल जो प्रबंधन की लापरवाही के चलते सफेद बाघ की मौत हुई, उस पर अब आज जांच टीम का गठन किया गया है। इसके बाद जांच टीम के द्वारा जो प्रबंधन की लापरवाही पर कार्यवाही की बात की जा रही है, तो वही मामले पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी कार्यवाही का भरोसा जताया है। रीवा के मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी जू में वर्ष 2016 में सफेद शेर मोहन को लाया गया था, जिसके बाद मोहन के बाद तीन अन्य सफेद शेर जू में रखे गए, जिनकी देखरेख की जिम्मेदारी जो प्रबंधन को सौंपी गई और उनके भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन के द्वारा निगरानी किए जाने का भरोसा जताया गया। लेकिन बीते कल जो प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक सफेद बाघ की मौत हो गई, जिसके बाद अब बाघ की मौत के बाद मौत के कारणों का पता लगाने के लिए टीम का गठन किया गया। सफेद बाघ की मृत्यु के बाद जांच के लिए जबलपुर से टीम आई, जिसने सफेद बाघ की मौत के कारणों का पता लगाया। अब टीम के द्वारा कार्यवाही किए जाने का भरोसा जताया जा रहा है। मामले को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सफेद बाघ की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि अमूमन सफेद बाघों की उम्र 8 से 10 वर्ष की होती है, तो उसकी मृत्यु का एक कारण ये भी माना जा सकता है। हाँ, मैं कल गया था वहाँ पर और सभी जो वहाँ के डॉक्टर जबलपुर से भी बुलाए गए थे और उनका तो ये कहना था कि बाघों में कभी कभी उल्टी होती है और यदि उल्टी का पानी फेफड़े में चला जाता है तो ऐसा दुर्घटना हो जाती है। लेकिन फिर भी इसकी जांच होगी और इसकी गहराई में जाया जाएगा। और उसके साथ ही हमने ये कहा है कि जो बाकी चिड़ियाघरों में और भी सफ़ेद शेर हैं उनको लाने का काम तेज़ी से किया जाए और ब्रीडिंग सेंटर को शुरू किया जाए, उसके लिए एक ब्रीडिंग सेल बना दें। डॉक्टरों की देखरेख में यहाँ पर कुनबे को बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास हो, इसकी भी कल बैठक में चर्चा हुई है और इस पर काम अब शुरू होगा। अभी कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि इसकी जांच के बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। हर साल एक मौत होती है, बाकी हर साल देखिए सफ़ेद शेर के बारे में तो ये भी कहते हैं कि सफ़ेद शेर की औसतन उम्र जो होती है वो जो पीले शेर होते हैं उनसे कम होती है, उनकी है 14-15 से लेके 18-20 तक और इनकी होती है 8 से लेके और 12-14 तक। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। वही अगर दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है आप ही बताइए।